स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। जैसा कि सर पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे कि कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं जिनकी वजह से इंसान को हार्मफुल वेरिएशंस का सामना करना पड़ता है, तो स्टूडेंट्स उसी डिस्कशन को अब हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम सिक्स पॉइंट डिस्कस करेंगे कि सिक्स सोर्स हमारे पास क्या आता है रेडिएशन एक्सपोजर का। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स होती हैं, ठीक है, जैसे कि न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जाते हैं बहुत से, यानी कि ऐसे वेपन्स जिनके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं और उन न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से एक्सप्लोजन्स की जाती हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स यहाँ पे आप एक डायग्राम में देख सकते हैं न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट्स जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होती है तो उसके रिजल्ट में बहुत से नुकसानदेह एलिमेंट्स वजूद में आते हैं, जैसे कि सीजियम 137, ठीक है, जैसे कि सीजियम 137, इसी तरह से स्ट्रॉन्शियम 90। तो सुनो यहाँ पे जो ये नंबर्स हैं ये इनके एटॉमिक मैसेस को शो कर रहे हैं, यानी कि सीजियम के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है 137, इसी तरह से स्ट्रॉन्शियम के अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो 90 है। तो स्टूडेंट्स ऐसे जो बहुत नुकसानदेह एलिमेंट्स हैं वो वजूद में आते हैं इन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स की वजह से। ये एलिमेंट्स फिर एब्जॉर्ब होते हैं खाद के अंदर, मुख्तलिफ पौधों के अंदर, फिर वो इंसानी जिस्म में दाखिल होते हैं क्योंकि इंसान कंज्यूम करते हैं प्लांट्स को, ठीक है, इंसान वेजिटेबल्स खाते हैं, इसी तरह से उन एनिमल्स को खाते हैं जो कि इन पौधों को खाते हैं, जिसकी वजह से जब ये एलिमेंट्स इंसान के जिस्म में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट्स शो करते हैं। इसी तरह से सोर्स हमारे पास जो सेवन्थ सोर्स आ जाता है इन हार्मफुल रेडिएशंस का वो कहलाता है टुबैको, ठीक है। तो सोर्स टुबैको लीव्स ऐसे पत्ते होते हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है सिगरेट्स बनाने के लिए, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये टुबैको लीव्स हैं। तो सोर्स टुबैको लीव्स की खासियत ये होती है कि ये बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं रेडियो एक्टिव रेज को। तो जब ये बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव रेज को एब्जॉर्ब करते हैं ये पत्ते अपने अंदर, तो जब इनसे सिगरेट्स बनाए जाते हैं और जब कोई स्मोकर्स सिगरेट स्मोक करते हैं तो उसकी वजह से वो रेडियो एक्टिव रेज जो है वो एमिट आउट होती हैं उन सिगरेट्स में से, और वो स्मोकर्स को तो इफ़ेक्ट करती ही करती हैं, लेकिन जो स्मोकर्स के इर्द गिर्द लोग मौजूद होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स पहुँचाते हैं ये टुबैको की लीव्स की वजह से। इसी तरह स्टूडेंट्स जो एट्थ रेडिएशन एक्सपोजर का सोर्स आ जाता है वो कहलाता है माइक्रोवेव्स, जो कि स्टूडेंट्स अब बहुत आम है, हर घर में ये डिवाइस मौजूद है जिसके थ्रू खाने को गर्म किया जा सकता है या फिर खाने को पकाया भी जा सकता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इस पिक्चर में एक माइक्रोवेव मौजूद है। तो सोर्स माइक्रोवेव्स के अंदर माइक्रोवेव रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं। तो सोर्स इनका इस्तेमाल इसीलिए कहा जाता है कि बहुत कम करना चाहिए कि जो माइक्रोवेव्स होती हैं वो खाने के अंदर मौजूद पानी के कंटेंट को बहुत कम कर देती हैं। तो इसीलिए जब यही खाना खाया जाता है तो पानी की चूँकि कमी हुई होती है इस खाने के अंदर, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन यानी कि पानी के कमी के असरात सामने आते हैं इन माइक्रोवेव्स को यूज़ करने से। तो इसीलिए स्टूडेंट्स कहा जाता है कि माइक्रोवेव्स को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी तरह से स्टूडेंट्स जो नाइन्थ सोर्स आता है हमारे पास वो आता है कि खाने या फिर पानी के अंदर मिलावट से कुछ एलिमेंट्स मिक्स हो जाते हैं, जिनमें से फॉर एग्ज़ाम्पल पोटाशियम 40 है, ठीक है, पोटाशियम 40 यानी कि उसको मैंने यहाँ पे उसके सिंबल से डिनोट किया है, और साथ ही उसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 40। इसी तरह से कार्बन 14 भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि रेडियो एक्टिव हैं, यानी कि ये एलिमेंट्स जब खाने या पानी की सूरत में हमारे जिस्म में दाखिल होते हैं तो वहाँ जाके ये बीटा वेरिएशंस का मेट आउट करते हैं, और वो बीटा वेरिएशंस हमारे जिस्म के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होते हैं। इसी तरह से जो टेंथ सोर्स आता है हमारे पास रेडिएशन एक्सपोजर का वो होता है रेडियो एक्टिव रेडॉन गैस। सुनिश्चित जो रेडियो एक्टिव रेडॉन गैस है ये हर वक्त हवा में मौजूद है, और ये इंसान को किस तरह से इफ़ेक्ट करती है कि ये जो रेडॉन गैस है ये सॉलिड के अंदर डिके होती है, यानी कि जब रेडॉन गैस डिके होगी, ठीक है, यानी कि
चूंकि ये रेडियो एक्टिव है, इसीलिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए कुछ रेडिएशंस को एमिट आउट करेगी और उसके बाद ये डिके हो जाएगी। तो जब ये डिके होगी तो एक सॉलिड में डिके होती है, उसके बाद ये डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है, ठीक है, यानी कि डस्ट पार्टिकल्स से चिपक जाते हैं सॉलिड की सूरत में। और फिर जब हम सांस लेते हैं तो सांस की सूरत में ये डस्ट पार्टिकल्स के साथ हमारे लंग्स में दाखिल होती है, और जब ये रेडॉन गैस जो है, जो सॉलिड में डिके हुई थी, ये हमारे लंग्स में जाती है, तो वहाँ पे हमारे फेफड़ों की वॉल्स के साथ चिपक जाती है, जिसकी वजह से लंग्स पे बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। इसीलिए स्टूडेंट्स कहा जाता है कि जो हमारे लंग्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा रेज रिसीव करते हैं बाकी बॉडी पार्ट्स के मुकाबले में। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपके लेक्चर से समझ आ गया होगा, जिसमें हमने रेडिएशन एक्सपोजर को डिस्कस किया है।